नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11। पुलवामा हमला, भारत के 44 जवान शहीद होते हैं। भारत ने कार्रवाई की और कड़ी कार्रवाई की। भारत ने 12 मिराज विमानों को पाकिस्तान में भेजा, बमबारी कराई और 300 से ज्यादा दहशतगर्दों को मार गिराया। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के चूरू पहुंचते हैं, वहां पर जनसभा को संबोधित करते हैं। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माइक पकड़ते हैं, यानी कि बोलने के लिए जैसे ही वो खड़े होते हैं, वहां मोदी मोदी के नारे लगते हैं। नारे ऐसे जिन्होंने मोदी को भी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक ऊर्जा दी। सबसे पहले मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की आवाज, बोलो भारत माता की, भारत माता की। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है। ऐसी ऊर्जा जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 की अपने उस संकल्प को फिर से दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि देश सुरक्षित हाथों में है और उन्होंने कहा कि यहां का जो माहौल है वो अलग ही है और यहां जो जोश दिख रहा है वो एक अलग ही जोश दिख रहा है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो संकल्प दोहराते हुए कहा कि मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जरा भी सुनिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संकल्प को फिर से दोहराया और यह सिद्ध कर दिया कि हां, उनके हाथों में देश सुरक्षित है। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने नापाक हरकत की, उसके बाद से मुंहतोड़ जवाब देना बेहद जरूरी था और वो हमने दिया। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा।